हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो फ्रेंड चलिए, यहाँ पर मैं फाइनली अपने चारों मैचेस कवर कर चुका हूँ केपीएल के और वुमेन सुपर लीग के। जो चार मैचेस आज खेले जाने वाले बेलगावी पैंथर्स और वुमेन सुपर लीग का जो एक मैच खेला जाएगा वेस्टर्न स्टॉर्म के बीच, ये दोनों मैं कवर कर चुका हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ से मैंने जो दो मैच और खेले जाने वाले हैं, यॉर्कशायर डायमंड और दूसरा जो खेला जाएगा इसका पहला वाला जो मैच KPL का जो खेलेगा, ये मैच मैं आप सारे कवर कर चुका हूँ। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ हमारी वीडियो में जाके देख सकते हो सारे वीडियो में, बट जरूरत है आपको ध्यान से सुनने की। वीडियो को बिना स्किप कर पूरा सुनोगे तो आप एक खुद से एक अच्छी टीम क्रिएट कर ले, हमारे से भी अच्छी टीम आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी फ्रेंड, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका फ़ायदा होने वाला है। बट प्ले स्पॉट पर मैं गिव अवे कराने वाला हूँ हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर करना प्ले स्पॉट को। अब देखते हैं वहाँ पर कौन विनर होता है। मैंने पूल चला रखा टेलीग्राम चैनल पे कि अब मल्टी विनर या सिंगल विनर, वहाँ पर देखूंगा मैं, डिसाइड करूँगा बाद में। आपको वीडियो में बता दूंगा कि मैं किस वीडियो में यहाँ पे गिव अवे कराने वाला हूँ सब कुछ। वहाँ पर कंडीशन आपको सब कुछ एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसके बारे में सब कुछ समझाऊंगा गिव अवे के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस टीम की बात करते हैं। अब जो अमेरिका रीजन के जो फाइनल T20 के जो मैचेस खेले जा रहे हैं इनकी भी इसकी वीडियो में पहले बर्मुडा और जो साइमन आइसलैंड के बीच में जो मैच खेला जाएगा इसकी टीम मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं इस मैच की, बर्मुडा और जो साइमन के बीच में मैच खेला जाएगा। अब फ्रेंड ध्यान रखना, ध्यान से सुनने की जरूरत है, बट वीडियो को स्किप मत करना, स्पेशली वो भाई जो केवल यहाँ पर टीम प्रीव्यू देखने आते हैं। तो टीम प्रीव्यू आपको मिलेगा वीडियो के एंड पर, थोड़ी स्टार्टिंग में मिल जाएगा थोड़ा, जो मैं बात कहना चाहता हूँ आप तक पहुँच जाए और आपके माइंड सेट हो जाए थोड़ा कि आपको किस हिसाब से टीम बनानी है। तो हैमिल्टन के पिच पर मैच खेला जाना है फ्रेंड, ये न्यूट्रल विकेट होती है यहाँ पर, और जिस हिसाब से दोनों टीम्स हैं बर्मुडा और साइमन आइसलैंड जो दोनों टीम है ये थोड़ी कमजोर टीम्स हैं दोनों। ध्यान रखना प्लेयर्स अच्छे अच्छे इनके पास हैं बट ये ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, दोनों टीम यहाँ पे खत्म टीम्स हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो सबसे फ्लॉप टीम ये दोनों ही हैं। तो देखना ये है कि इस मैच में क्या हो सकता है। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है बॉलर्स और ऑलराउंडर पे, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा पॉइंट्स वही अर्न करके देंगे। तो ध्यान रखना आपको टीम किस हिसाब से बनानी है। मैंने टीम जो बना रखी है आपको दिखाता हूँ, डायरेक्ट टीम प्रीव्यू पहले दिखाता हूँ मैंने किस तरह से टीम बना रखी है। ये देखिए फ्रेंड, विकेट कीपर ओकेरे को रखा हुआ, उसके बाद यहाँ पर जॉर्जी है, उसके बाद यहाँ पर ऑनियंस है, उसके बाद यहाँ पर डी रोलिंस है, उसके बाद यहाँ पर ल्यूक है, उसके बाद सी राइट है और जूनियर डगल जूनियर को रखा हुआ है, चार बैट्समैन मॉरिस को रखा, टेलर को रखा, पिचर को रखा और यहाँ पर ओब्रेन को रखा हुआ है। तो ये रहेंगे मेरे टीम, ये 11 प्लेयर मेरे जो मुझे लगता है विन करा सकते हैं मुझे हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में, ये मैंने रखे हुए हैं। बाकी आपको इनसे अलावा अगर कोई प्लेयर चाहिए तो आप हमारे सेशन को सुने, वहाँ आपको पता चल जाएगा कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं, कौन कौन क्या करता है, सब कुछ वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें, और जो लोग वीडियो जो प्रीव्यू देख के बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर जा सकते हैं, बट वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो प्लीज़ आपको अपनी विनिंग में थोड़ा इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप करे पूरा देखना। और बाकी फ्रेंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके पास यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन और है यहाँ पे जो दूसरे विकेट कीपर हैं, ये काफ़ी नीचे आएंगे, आई थिंक 34 नंबर पर खेलने आएंगे, बट ये ओकेरा जाएँ आई थिंक ओपनिंग करेंगे या वन डाउन आएंगे, तो ये हमारे लिए काफ़ी। यहाँ पर भी बैटिंग ऑर्डर कोई कन्फर्म नहीं है फ्रेंड, आपको पहले ही बता दूँ, किसी को भी भेज दिया जाता है तो आपको जहाँ से मुझे लगता है ओके रहे यहाँ पर काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ है। बैट्समैन की बात करें, तीन जो बैट्समैन मैंने आपको दिखाए हैं वो तीनों यहाँ पर रख लिए हैं मैंने तीनों के तीनों। बाकी आपके पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको पहले बता दो, सचा को रखा हुआ है, कट ऑफ और फ्रे, ये तीनों आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है, आप इनको रखना चाहते हो रख सकते हो, विल्स को रखना चाहते हो रख सकते हो, बट मैं हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में किसी को भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर किसी के परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। जो मुझे लगा ये जो मैंने ले रखा है फ्रेंड, ये भी मुझे जहाँ तक लगता नहीं कि 15-20 रन से ज़्यादा बनाने वाले हैं, बट फिर भी आप किसी ने किसी को तो रखना ही पड़ेगा आपको, तो इसलिए मैंने इन तीनों को यहाँ पे रखा हुआ है जो जहाँ पे बेस्ट कर सकते हैं। बाकी तीन मैंने ऑलराउंडर रखे हैं यहाँ पे, ल्यूक को रखा हुआ, राइट को रखा हुआ, उसके बाद यहाँ पर डगल्स को रखा हुआ है। आपके पास ऑप्शन काफ़ी अवेलेबल है, दोनों के दोनों अवेलेबल हैं, दोनों खेलने वाले, दोनों को रखना चाहो रख सकते हो, ये तीनों के तीनों अवेलेबल है, तीनों को रखना चाहो रख सकते हो किसी को भी, बट कुछ खास परफॉर्मेंस इनकी है नहीं इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं रखा। अगर आप रखना चाहते तो मैनिंग को यहाँ पर रख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक अच्छे साबित यहाँ पर आपके लिए हो सकते हैं, बाकी और कोई खास प्लेयर यहाँ पे ऑप्शन है नहीं आपके पास। बाकी बॉलर्स में मैंने जो रखे हैं चार बॉलर जो मुझे बेस्ट लगे मैंने रख लिए यहाँ पे। आपके पास ट्रॉट एक ऑप्शन है, ये खेलेंगे अगर इनको रखना चाहते हो रख सकते हो, बाकी यहाँ पे ब्रेकमैन है, इनको रखना चाहते हो रख सकते हो। इनके फ्रेंड दो दो पॉइंट जो है, आप कहीं ये मत समझना कि इनको कोई विकेट्स वगैरह नहीं मिली, आई थिंक लास्ट मैच जो था ड्रॉ हुआ था बारिश के कारण, इस वजह से इनके पॉइंट दो दो हैं, जितने भी प्लेयर्स के दो दो पॉइंट है, तो ये मत समझना कि इनके कोई परफॉर्म नहीं किया, तो फिर इनके बारिश की वजह से यहाँ पर पॉइंट्स कम है, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि मैच हो गया था रद्द, इस वजह से इनका मैच हुआ नहीं,
तो चलिए बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। कैप्टन वाइस कैप्टन जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रखे, जैसे राइट को रखा हुआ और यहाँ पर रॉलिस को रखा हुआ है, जो तो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रख लिए। बाकी आप यहाँ ट्राई कर सकते हो ल्यूक को, ट्राई कर सकते हो डगल्स को, ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो ल्यूक, स्पेशली ल्यूक यहाँ पर जो है आपके लिए खास ऑप्शन हो सकते हैं। हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में वाइस कैप्टन अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट मैं दोनों को एक ही टीम से नहीं बना सकता। रॉलिस भी यहाँ पर कभी कभार बॉलिंग भी कर लेते हैं पार्ट टाइम, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रॉलिस को अपना वाइस कैप्टन यूज किया। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो किसी और को ट्राई कर सकते हो, बट जो मुझे सेफ टीम लगी वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। बाकी अगर आपको देख लेना आपको क्या करना क्या, पिच रिपोर्ट अगर मैं आपको बता ही चुका हूँ और कौन से यहाँ पर प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ। अब बात करें ग्रैंडी की, अब फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि स्पेशली इसमें अगर हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग अगर इन मैचेस में ना खेलो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जितना तो आप जीत ही जाओगे, जहाँ तक जितने मैं जितने अपने प्लेयर्स बताए जितने मैं सेशन दिया मैंने आपको, आप इस टीम के साथ भी अच्छा खासा विन कर सकते हो हेड टू थ्री मेंबर लीग। बट ग्रैंड लीग आपके लिए इन मैचेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप इन मैचेस में कुछ भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपका दिन हुआ तो आपका टीम जो है आप ग्रैंड लीग इजीली विन करा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपने ग्रैंड लीग कब विन करी हो, क्या प्लेयर रखे, आपको पता भी नहीं होगा कौन से प्लेयर आपने रखे होंगे। तो यहाँ पर ग्रैंड लीग आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है, स्पेशली इस मैच में, तो खासतौर क्योंकि यहाँ विकेट ज़्यादा गिरने वाली है। इस मैच में स्कोर यहाँ पे 130 या 140 के आसपास यहाँ पे हो सकता है, इससे ज़्यादा स्कोर यहाँ पे नहीं जाने वाला अगर मैच पूरा होता है तो। तो ये थी हमारी ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, जैसे कि यहाँ पे बहुत कम लोगों ने इनको लिया होगा, जैसे ट्रॉट को है, ट्रॉट को बहुत कम लोगों ने लिया होगा, ब्रेंगमैन है इनको बहुत कम लोगों ने लिया होगा, बाकी यहाँ पे जो बैट्समैन है कैटो है सचा है इन लोगों को बहुत कम लोग लेने वाले हैं। अगर क्या पता परफॉर्म कर जाए कुछ पता नहीं, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, तभी आपको ग्रैंड लीग आप तभी विन कर सकते हो जब आप थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा एक अलग से टीम बनाओगे, तो आप ग्रैंड लीग यहाँ पर इजीली विन कर जाओगे किसी भी दिन, खासतौर ऐसे मैचेस में। तो ऐसे मैचेस में ग्रैंड लीग खेला करो स्पेशली, ये मेरा खुद की एक ट्रिक है, मैं खुद इन ऐसे मैचेस में ग्रैंड लीग ज़्यादा खेलता हूँ, मैं स्मॉल लीग हेड टू हेड थ्री में कम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि ग्रैंड लीग में इनमें आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ग्रैंड लीग में क्या होता है, नुकसान भी नहीं होता, कोई फायदा भी नहीं होता, अगर आपकी ज़्यादा नुकसान नहीं होता, अगर आपकी टीम फ्लॉप चलेगी तो आप यहाँ पर मुश्किल से 40-50 रुपये हारोगे, इससे ज़्यादा नहीं हारोगे, मगर आपकी टीम अगर टॉप कर गई तो आप यहाँ लाखों में विन कर जाओगे। तो इसलिए ऐसे मैचेस में ग्रैंड लीग स्पेशली ट्राई किया कीजिए, ग्रैंड लीग काफ़ी अच्छी रहती है इन मैच। तो चलिए फ्रेंड ये टीम मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, बाकी इसकी मैं प्ले स्पॉट की टीम आपको नहीं देने वाला और ना ही मैं इसको प्ले स्पॉट पर खेलूंगा, ड्रीम इलेवन या बल्लेबाजी पर मैं यहाँ ट्राई करूंगा। तो आपको इसकी टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी टॉस के बाद, तो प्लीज़ अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया हो आप लोगों ने तो प्लीज़ अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल उसके बाद जरूर करना, क्योंकि आप ही का फायदा, आप ही को चीज़ में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको एक टीम मिलेगी वहाँ पर हेड टू हेड थ्री में बल्कि जो विनिंग टीम हो सकती है टॉस के बाद, अगर इसमें टॉस हुआ तो उसके बाद आपको टीम वहाँ पर कन्फर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बाकी वीडियो जो ऊपर की आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इन वीडियो को देख लीजिए, मैं अपलोड कर चुका हूँ सारी वीडियो। बाकी एक मैच रह गया आज का, जो कनाडा और यूएस के बीच में जो खेला जाएगा, इसी का सेकंड मैच खेला जाएगा, तो इसकी टीम इसके बाद आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।